इसके जो फाइल फॉर्मेट है इसको अपन ने सेव एज करके एक दूसरे फॉर्मेट में अगर अपन चाहें या फिर जिस भी फॉर्मेट में अपन चाहें उसको अपन सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई फाइल है, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया मैंने, ठीक है ना। ये आप देख सकते हो उसका सॉलिड पार्ट है ये। इस फाइल को अपन ने सेव एज पे गए, जैसे सेव एज पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कैट पार्ट, एसटीएल, आईजीएस, डॉट मॉडल, एसटीपी। अब होता क्या है ना कि जब भी हम लोग एंसेस इंस्टॉल करते हैं तब वहाँ पे वो पूछता है कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस आपको एक्टिव रखने हैं फाइल को एक्सेप्टेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो उस टाइम पर अगर आप में कैट पार्ट या फिर आपने सारे ऑप्शंस अगर आपने सेलेक्ट करके रखे हुए हैं तो ही आप उसमें ये सारे मतलब ये जितने भी ये रहेंगे ऑप्शंस आप उसमें ओपन कर सकते हो, अदरवाइज वो एरर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे वाले जो आंसर्स में इसमें कैट पार्ट और मैं डॉट मॉडल फाइल ओपन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक नॉर्मल से एक एग्जांपल आपको देख के बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये एक मॉडल फाइल मैंने यहाँ पर सेव करके रखी हुई है मैंने, ठीक है। ये अपन जाते हैं यहाँ पर, इसका मॉडल फाइल कैसे है ये आप यहाँ से समझ में आता है, ठीक है। यहाँ पे अपन ने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे गए तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर मॉडल, ठीक है ना, डॉट मॉडल फाइल। अब अपन क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री पे जाकर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, एडिट ज्योमेट्री, सॉरी अपने को इंसर्ट करना है ज्योमेट्री, रिप्लेस ज्योमेट्री पे गए अपन, यहाँ पे अपन ब्राउज किया अपन ने, फिर उसके बाद डेस्कटॉप जहां पर वो रखा हुआ है ये वाला, ठीक है ना। देखिए इसमें भी मेंशन है डॉट मॉडल फाइल, इसको ओपन किया मैंने तो इसने मेरे को एरर दे दिया मेरे को, ठीक है। सिमिलरली कैट पार्ट के साथ भी ये सेम एरर देगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने इसमें एक IGS फाइल मैंने यहाँ पर सेव करके रखी हुई है ऑलरेडी, आप लोग देखोगे यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज पे जाकर तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा IGS। अपन इसको ओपन कर रहे हैं, रिप्लेस ज्योमेट्री बाय IGS फाइल, ये IGS फाइल यहाँ पे मेंशन भी है डॉट IGS फाइल, ओपन किया अपन ने, ठीक है। उसके बाद फिर अपन मॉडल फाइल पे आ रहे हैं अपन अपनी, ये यहाँ पर बहुत बड़ा चला गया, ठीक है। ये इस तरीके से वो इंसर्ट हो गया, अब यहां पे आप देखोगे तो आप देखोगे पूरे के पूरे क्या है यहां पर, एक तरीके से सरफेसेस हैं यहां पूरी पूरी के पूरी, ये देखिए ये सारी क्या है, सरफेसेस हैं। तो इन सरफेसेस पे तो अपन काम नहीं कर सकते अभी, तो इसको अपने को ना इम्प्रूव करना पड़ता है।
तो अपन ज्योमेट्री पे जाके इसको अभी इम्प्रूव करते हैं। टाइम लग रहा है इसमें, तो अपन कैट पार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि अपन इसमें क्या कर सकते हैं। हेलो सर, एक छोटा सा डाउट है सर। हाँ बच्चा बोल। जैसे सर हमारी लैब है यहाँ पे। अच्छा सर, हाँ ठीक है, हाँ सर बोले। जैसे हमारी लैब, सर जैसे हमारी लैब है, आपने देखी है लैब? जी। कैटिया तो हमारा एक अलग लैब में है और एनसीस अलग लैब में है, तो ऐसे में सर हम कैटिया फाइल को अपने इस सिस्टम में, जैसे मतलब आईजीएस फाइल को यहाँ पे सेव करके फिर हम उसको वहां पे इंपोर्ट करेंगे तो वहां पे वो चलेगा? कैटिया फाइल को कैटिया होना कंपलसरी वैसे मतलब जिस सिस्टम में एनसिस है वहां पर अपने को एक ना एक मतलब सॉफ्टवेयर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, ठीक है ना? जैसे सपोज वहां तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर एक भी नहीं है सर, जैसे एनसिस जो हमारा लैब है उसमें मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हमारी मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर जो है इस लैब में है, जैसे सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, ऑटोकैड है, यहाँ पे जो हमारी जो आपने पहली लैब देखी थी हमारी, और दूसरी लैब में हमारे एनसीस है केवल। सर ऐसे में कैसे हम, अगर किसी स्टूडेंट कोई हमारे मतलब रिसर्च स्कॉलर या स्टूडेंट आए तो उनको हम कैसे हेल्प करेंगे? उनके लिए तो फिर एक की शॉ एक दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे तो कैड असिस्टेंस करके भी कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें हम लोग जिसको इंस्टॉल करके हम लोग जो भी कैड फाइल होती है ना उसको सिर्फ हम लोग चेक करने के पर्पज से कि उसमें कोई डेटा लॉस नहीं होता, ठीक है ना? पहली बात ये हमेशा याद रखना, उसमें कभी भी डेटा लॉस नहीं होता, वो हमेशा आपको जैसा वो आया हुआ है वैसा के वैसा आपको दिखा देगा। वो कैड असिस्टेंस टूल एक आता है, आप चाहो तो उसको इंस्टॉल कर सकते हो, छोटा सा टूल है वो, उसकी हेल्प से आपको आपका जो भी प्रॉब्लम होगा शॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है? लेकिन उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ आप देख सकते हो कि अपने जो मॉडल अपने इंपोर्ट करना चाहते हो वो कैसा है, क्या है, ठीक है? अच्छा सर, मॉडिफिकेशन के लिए एनसिस के साथ मतलब हमें कोई ना कोई सॉलिड मतलब मॉडलिंग कोई ना कोई तो चाहिए ही अपने को, कोई ना कोई एक दूसरा मॉडलिंग टूल तो होना जरूरी है उसमें, बिना उसके अपन पॉसिबल नहीं है। इनमें डेटा लॉस की वजह से काफी मतलब हम लोग जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ये फाइल वाइल का जो एक्सचेंजेस होते हैं इसमें काफी टाइम हम लोग को प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती है।
फिर से अपन इसमें इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक किया इसमें, इंपोर्ट, इस तरीके की फाइल आई अपने पास, पूरा परफेक्ट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप अपने को इसे मैशिंग करने का है, तो मैशिंग करने के लिए अपन लोग सबसे पहले इसमें इसकी साइजिंग डिफाइन करते हैं अपन। यहाँ पर अलग अलग टाइप के साइजिंग्स आप लोग देखो देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, एक्चुअल में जो अपन ने कल एक एलिमेंट अपन ने यहाँ पे देखे थे, ठीक है ना, एलिमेंट्स और नोट्स, इनका एक साइज पर्टिकुलर साइज होता है। ठीक है ना, अपन चाहें तो उन पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंगली अपन इसमें उनको बना सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे देखने के लिए चाहे तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 1.5, अपन चाहे तो उसको 0.5 अपन दे सकते हैं अपन इसमें। ठीक है ना, या इस तरीके से इसमें जितने भी दूसरे जैसे कोई कर्वेचर होता है, ठीक है, उनका भी अगर अपन साया से मतलब एलिमेंट के ब्रेक करना चाहते हैं छोटे छोटे साइज में, तो इवन अपन वो भी कर सकते हैं। तो एक बार अपन इसको जनरेट मैश करते हैं आप, तो ये इस तरीके से एक मैश हो गया यहाँ पर। और इंसर्ट करते हैं अपन साइजिंग के लिए, एलिमेंट साइज, .05 डाल के देखते हैं अपन। फिर सॉल्व करते हैं, अपडेट, तो देखो ये पहले आपने देखा होगा पहले साइज अलग था, अब साइज अलग हो गया है ना। तो सिमिलरली फिर से सॉल्व करते हैं इसमें अपडेट करके, पॉइंट फाइव में तो पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट ले लिया उसने। फिर से अपडेट 0.005 पर, अब ये देखिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन के साइजिंग वाइजिंग इसमें अपन चेंजेस कर सकते हैं। अब मॉडल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के पर्पस से यूज किया जाता है। आप लोगों जब आप फाइनल ईयर में आओगे तो आपको एक वाइब्रेशन करके एक सब्जेक्ट आएगा आपको, जिसमें आप ये सब चीजें आप पढ़ोगे। इसमें बेसिकली नेचुरल फ्रिक्वेंसी किसी भी सब्जेक्ट
जो भी कोई कंपोनेंट होता है उसका अगर हम लोग को एनालिसिस करना है तो उसमें ये दो एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, दूसरा होता है मॉडल एनालिसिस। मॉडल एनालिसिस से हम लोग को ये समझ में आता है कि वो हम लोग कितना उसकी फ्रिक्वेंसी हम लोग कितनी रखनी है ताकि वो आगे चलकर उसकी लाइफ हम लोग डिफाइन कर सके, ठीक है ना। तो इस पर्पज से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब इसको अपन एक जगह से फिक्स करते हैं, सबसे पहले ये इस जगह से अपन ने इसको फिक्स किया, ठीक है। फिक्स करने के बाद यहाँ पे अपन गए इंसर्ट डिफॉर्मेशन, टोटल डिफॉर्मेशन अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया अपन ने, ठीक है। सॉल्यूशंस के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपके कोई भी पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास है कोई पर्टिकुलर कोई फैक्टर्स हैं अगर आपके पास, ठीक है, तो ही आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कोई न्यूटन, मतलब आपके पास अगर जो भी डेटा अगर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, वो डेटा आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यूजुअली होता क्या है कि किसी भी कंपनी जब भी कोई एनालिसिस के लिए कोई भी चीज़ भेजती है, इवन अगर आप भी कभी किसी के लिए एनालिसिस करोगे किसी कंपोनेंट के ऊपर, तो दो टाइप के एनालिसिस होते हैं। एक एनालिसिस होता है कि जो आप पुराने डेटा को आपके रेफरेंस में रख कर अपने डेटा को उसमें आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, ठीक है ना। मतलब पुराना जो रेफरेंस डेटा होगा उसको आप रखोगे और अपने डेटा को उसके रखकर आप उसको क्रॉस वेरीफाई करोगे, एक तरीका का एनालिसिस ये होता है। सेकेंडरी एनालिसिस हम लोगों को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और ये सब कंडीशंस हम लोगों को सामने वाला जो भी हम लोगों का कस्टमर होगा या फिर जो भी जिसका ये प्रोजेक्ट है वो हम लोग को ये सब डिटेल्स हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि उनके यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स क्या क्या चीज़ें उनको अवेलेबल करनी है, तो ही हम लोग यहाँ पर वो सब चीज़ें चेंजेस करेंगे। अदरवाइज अपन इनमें से किसी भी चीज़ को अपन चेंज नहीं करेंगे। यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर देते हैं। अपन हो रहा है एलिमेंट्स अगर काफी छोटे छोटे हो जाते हैं तो उतना ही टाइम पीरियड इसमें एनालिसिस में लगता है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे जितने नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसका एनालिसिस टाइम रन होने में लगेगा। सर एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी? हाँ बिल्कुल, एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से, उतना ही इसमें रिजल्टेंट के लिए भी टाइम लगता है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अपन यहाँ से इसको अभी हटा देते हैं साइजिंग को।
तब वो पूरा रन होके ही मानेगा आपको। इसको बंद करते हैं अपने यहां से। फिर से एक बार फिर से करके देखते हैं अपन। फिर से यहाँ से मॉडल, टोटल डिफॉर्मेशन अपन यहां से तो आप देखोगे यहां पर
तो ये इस तरीके के अपने मोड्स आपके डिफाइन हो गए, ठीक है ना। इसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आई है वो आई है 0.45 हर्ट्ज की आई है इसमें। स्क्रीन डिस्प्ले मतलब स्क्रीन विजिबल नहीं है सर। अब शो हो रहा है? यस सर, नाउ इट्स विजिबल। फिर से एक बार मैं बताऊं मैं आप लोगों को। फिर ये सबसे पहले अपन ने एक ज्योमेट्री लिया, जो भी अपनी एक ज्योमेट्री थी, ठीक है ना। उस ज्योमेट्री को अपन ने एक एंड से अपन ने फिक्स कर दिया इस तरफ से, ठीक है ना। और एक नॉर्मल, इस बार अपन ने नॉर्मल मैश ही किया, ठीक है। नॉर्मल मैश करने के बाद एक फिक्स अपन ने एक एंड फिक्स कर दिया इसको, ठीक है ना। चाहे तो एक एंड या फिर दोनों एंड अपन भी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन इंसर्ट कर दिया, अपन ने राइट क्लिक करके यहाँ पे टोटल डिफॉर्मेशन अपन ने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने सॉल्व किया तो इसने मेरे को इसका एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी यहाँ पर एक दे दिया, इसने यहाँ पे भी मेरे को चार्ट दे दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं सेलेक्ट ऑल मोड एक्टिव करता हूँ और फिर यहीं पर मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, क्रिएट मोड, ठीक है। और फिर से मैं सोल्यूशन, हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर, किसी को नहीं हो रहा है? हो रहा है सर, हम लोग को तो विजिबल है सर, इट्स विजिबल, ठीक है। तो देखिए जैसे ही मैंने इसका मोड, मैंने सारे मोड एक्टिव करके मैंने इसमें पेस्ट किया मैंने, तो इसके अब आप लोगों को पता होगा ये अपन एक फ्री हैंड जो डैम्पिंग होती है, फ्री हैंड डैम्पिंग इन द सेंस अपन अगर किसी बॉडी को हवा में छोड़ देते हैं तो उसके जितने नंबर ऑफ फ्री डायमेंशंस होंगे वो उतने फ्री डायमेंशंस में मूव करेगा। तो ये भी अपना उसी तरीके का एक मोड्स होते हैं, ठीक है ना। इस मोड्स को अपन प्ले करके देखेंगे, अपन देखिए आपको इस तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, और ये उनकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो आपको यहाँ पर वेरी होते हुए समझ में आएगी आपकी, ठीक है। एक और अपन आई सेक्शन बार का भी अपन देख लेते हैं अपन इसमें। इस तरीके का अपन ने एक आई सेक्शन अपन ने बना लिया अपन ने, ठीक है। इसकी फाइल को अपन सेव एस एसटीपी फाइल, नाम दे देते हैं इसको, वापस जाते हैं इस पर।
यहाँ पे जाकर अपनी इसको रिप्लेस करते हैं फाइल को। वापस मॉडल पे आते हैं, अब देखिए इस अपन ने वहां से तो प्रॉपरली इसको इंसर्ट किया है, लेकिन यहाँ पे आकर इसमें डेटा लॉस हो गया, तो इसने यहाँ पे आकर इसको ना सरफेस, आपको समझ में आएगा जो अपने अविनाश सर पूछ रहे थे ना, यहाँ पे आने के बाद सर ये देखिए यहाँ पे डेटा लॉस हो गया। अब देखो फिर से वो ज्योमेट्री को, हाँ इसमें लेंथ के साथ साथ वो उसके डायमेंशंस भी बिगाड़ दिया उसने। ये एक्चुअल में हमेशा जिस तरीके के कमांड्स अपन लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपकी जो हिस्ट्री होती है ये इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं, तो अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री प्रॉपर चीजें अगर अपन ने मेंटेन करते हुए चला है तो आपको ये सब चीजें दिक्कतें नहीं देंगी।
200 mm लेंथ है इसकी, ठीक है। फिर से अपन फाइल को सेव एस, एक बार STL फॉर्मेट में अपन सेव करके देखते हैं। एक फॉर्मेट अपन IGS सेव करते हैं, IGS ऑलरेडी है किसी का, चलिए। और एक फॉर्मेट अपन STP वाला सेव करते हैं, ठीक है। ऐसे तीन चार फॉर्मेट अपन ने सेव कर लिया। फिर से अगेन ज्योमेट्री के ऊपर रिप्लेस ज्योमेट्री, एक बार STP ओपन करके, सॉरी STP ओपन करके देखते हैं अपन। इसको अपडेट कर देते हैं, ये रिप्लेस हो गई बॉडी अपनी। अब देखते हैं अपन यहाँ पर ज्योमेट्री प्रॉपर बॉडी में है, ठीक है। इसमें भी मटेरियल असाइन नहीं किया गया है, ये अपन ने स्टैटिक स्ट्रक्चर STP फॉर्मेट में ये नहीं पकड़ पा रहा है, फिर से चेंज कर रहे हैं उसे। ये कौन सा फॉर्मेट है अपना, IGS, फिर से अपडेट करते हैं अपन। IGS फाइल में भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसे मटेरियल अपन असाइन नहीं कर पा रहे हैं इसमें। तभी देखते हैं अपन इसमें कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये सब चीजें डेटा लॉस के अंडर में आती हैं, लेकिन अपन ने बहुत बहुत नॉर्मल सरफेस में अपन ने बनाया तो भी इतना सारा डेटा लॉस हुआ है इसमें, जिसकी वजह से अपन अपना एनालिसिस रन नहीं कर सकते। एक और अपन हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं इस पर अभी। थॉट मॉडल वाला
नहीं ले पा रहा है। इसको एक नॉर्मल मैंने अभी थिकनेस दी है, मैंने अभी फिक्स करते हैं इसको एक तरफ से और फिर सॉल्व करते हैं अपन। काफी खतरनाक डिफॉर्मेशन से शो हो रहा है यहाँ पर। एक बार फिर से क्लियर करके अपन सॉल्व करते हैं इसको वापस। सर अभी क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अपन डिफॉर्मेशन नहीं निकाल रहे हैं अभी इसमें। ये जो मॉडल वाला अपन ने किया था ना इससे पहले वाला, ये उसके मॉड्यूल्स, क्योंकि इसमें अब अलग अलग सेक्शंस है ना, तो उसने पूरे सेक्शंस में इसको शो कर दिया है इसने। अपन ने इसको थिकनेस दिया था क्योंकि सरफेस की इसमें डेटा लॉस हो गया है इसमें फाइल एक्सचेंज करने के पर्पस, मतलब की वजह से बहुत सारे इसमें चीजें आ गई। एक और नई फाइल अपन को बनाना पड़ेगा। नॉर्मल सी फाइल को सेव करके दूसरे फॉर्मेट में कर लेते हैं ना। क्या चाहिए बेटा? सर प्रॉपर रन नहीं हो रहा है वो। अपन ने फाइल सेव करके देख लिया था, अपन ने तीन चार फॉर्मेट अपन ने सेव करके देखे हैं अपन ने। सर तो इसके पहले आईजीजी वाला बार में फॉर्मेट तो चल गया था। हाँ एक फॉर्मेट अपना चल गया था उसमें। फिर से एक बार अपन ट्राई करते हैं इसमें। इन सबको डिलीट मार के
इस बार अपन STL फॉर्मेट में रखा है इसको. STL फॉर्मेट बेसिकली 3D प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं. मैंने कल बताया था जैसे आपको STL फॉर्मेट में बहुत एग्जैक्टली आया ये. ठीक है, मैश अपन ने फिर से अपडेट कर दिया यहाँ पर. शायर तेरा है बार बार ये. एक बार स्टैटिक स्ट्रक्चर से अपन ट्राई करके देखते हैं. सिस्टम में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर. अविनाश सर, यस सर, आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ मैं. कल इसको कल जो आज छूटा कल जो छूटा हुआ है आज का जो छूट रहा है थोड़ा सा, तो कल अपन उसको कवर अप कर लेंगे अपन उसको. ठीक है ना?
ओके ठीक है सर, स्टूडेंट से पूछ लीजिए सर अगर उनको कोई डाउट, वैसे वो बोल रहे थे कि सब कुछ चीजें उनको समझ में भी नहीं आ रही। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी 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 कुछ समझ उसमें समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें काफी सारे वायरस वायरस के, मैं उसको चेकआउट करके मैं उसको सही कर देता हूँ मैं उनको, ठीक है ना। आप लोगों के लिए कुछ दूसरी फाइल्स में बना के रख लूंगा तो आप लोगों को उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मॉडल का, मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया ना कि मॉडल एनालिसिस हम लोग करते क्यों है। मॉडल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ नेचुरल फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम लोग इसमें एडिशन में भी और भी कई दूसरे एनालिसिस इसके साथ किया जाता है, जैसे हार्मोनिक एनालिसिस भी होता है, एक रिस्पॉन्स एनालिसिस भी करते हैं अपन इसमें। तो कल अपन ये पूरा का पूरा जो मेरा आज खत्म करना था मेरे को रह गया, तो कल अपन उसको पूरा कंटिन्यू आगे कर देंगे। अपन कल अपन लगे तो कल जो तीन मतलब 3 बजे तक की क्लास है उसको थोड़ा सा अपन और एक्सटेंड करके थोड़ा सा और अपन 4 बजे तक अपन ले लेंगे अपन, है ना। ठीक है ओके सर, ठीक है, इज दैट ओके टू यू ऑल? ओके सर, थैंक यू एंड सॉरी। मैंने एक लिंक आप लोग को शेयर की है, अगर शाम को आज इवेंट है, आज और कल एक एक घंटे का ही इवेंट है, वो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो उसको कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर इसके पिछले लेक्चर की वीडियो मिल जाएगी? क्या चीज? पिछले लेक्चर की वीडियो? पीडीएफ तो नहीं है डियर, सॉरी वीडियो। वीडियो में हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग की है वो क्लाउड में आने में 1 दिन का टाइम लगता है, अगर आ जाएगी तो मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा। एंड करते हैं यहाँ पर।